हेलो मित्रों, नमस्कार। पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिलहाल मैं हूँ किचन में और थोड़ी सी भूख जैसी लग गई है, तो स्मृति जी कुछ बना रही हैं पीछे, तो देखते हैं क्या बना रही हैं। तो आज स्मृति जी ने लग रहा कुछ स्पेशल बनाया हुआ है। क्या है ये? सूजी। तो आज बनाई हुई है सूजी। तो फिलहाल इसको गर्म किया जा रहा है, आज बाद बार नहीं बनाएगा। और इधर हमारे कैंडी महाराज भी आ चुके हैं, तो ये तो मेरे घर आते ही मेरी आवाज सुनते ही दौड़े दौड़े चले आते हैं, जहां भी होंगे, चाहे कहीं भी हो। ये पता नहीं इसको कैसे मेरी आवाज की खुशबू लग जाती है। तो फिलहाल हो चुकी है सूजी गरम। ले ले, कहाँ है? घी में बनाई है शुद्ध। घी तो डाले पड़े हैं। कोई भी लक्ष्मी भी आने वाली है। बढ़िया होगी, टेस्टी। ओहो, बाहर का हाल क्या जबरदस्त हुआ है। बारिश तो हो ही रही है, उसके साथ साथ हवा भी चल रही है, और ये गमला तो हमारा हमेशा ही लैंड हो जाता है। गर्मा गर्म सूजी का स्वाद भी ले लिया है, तो एकदम मज़ा आ गया। और बाहर का मौसम तो भाई साहब क्या जबरदस्त खतरनाक हुआ है। तो फिलहाल तो बारिश बंद हो गई है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। और कल इसमें हमने चारा बोया था, तो इसमें अभी पानी भर गया है ये, तो अब ये चारा भी जमता है या सड़ता है कोई पता नहीं। तो इस बार तो बारिश ने एकदम हद ही कर दी है, टाइम टाइम से बारिश होने में है। पहले गेहूं की फसल सारी बर्बाद कर दी, अब थोड़ा चारा बोया, सोचा ये थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, तो ये बोते ही ये भी बारिश होने में है तब से, और कल से कंटिन्यू बारिश हो रही है। अरे ये मत पकड़ो, ये मत, कट से हो जाएगा। नहीं होगा, पेड़ बहुत पक्का होता है। अभी फिर हवा का आती फिर गिरेगा, ये नीचे मत रखो, सीलन आ जाएगी। तो फिलहाल चारे में डालते हैं खाद, यूरिया, क्योंकि बारिश हो गई है, तो अब फटाफट से खाद बढ़िया लगेगी। ये पुरानी है क्या? तो ये है भैया सफेद चीनी। अरे इसका कलर अलग क्यों है? वही मैं भी देख रही हूँ, ये गुलाबी है, ये सफेद है ऐसा। और हो गया हल्का, और हल्का हो जाएगा, थोड़ा ही तो है वो, इतना ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा। ले खा, छिड़क दो, काम भी करेगा कुछ। ए खा, कहाँ रहा उसको? ये तो अभी लाया गया, पहले थी। इतने ठंड हो ही पानी पी रही है। अरे आज तो गर्म हो रहा है बढ़िया। ले छुआ, क्या हो रहा है छोरा? मजे मजा आ रहा तेरे यहाँ, गरम गरम हो रहा है। चलो हो जाओ शुरू। अरे इधर लाओ जल्दी। अरे तुम भी तो सीखो, पता तो चले। अभी तो तुम घर इटक बिटक छिड़कना, कैसे पता चलेगा? नहीं तो आसान है आजकल, लेडीजें क्या क्या नहीं कर रही हैं आजकल। लो तो तुम घर में ही तो नहीं। अरे घर में हूँ ना, हूँ तो क्यों, मैं घर में जो हूँ तभी तो सिखाऊंगा। अरे तुम एक बार देखो तो क्या होता है, धरती ऊपर आसमान नीचे होता क्या है? किनारे किनारे से देखो ये कैसे बड़ी होती होता है। किनारे से छलक लो, बीच में कीचड़ हो रहा है। ये इसका टहना किसने तोड़ दिया है? पता नहीं कौन तोड़ के गया है। अरे यार बड़ी मुश्किल से पेड़ गोल किया था मैंने, कोई जानबूझ के तोड़ गया। निशान हो गए। ओ मीरा, क्या ला रही है तू? ये पेपर
बैठो बैठो। ए ए ए अरे यार ये कीचड़ लगा दिया। ए पगले। और जब भी बारिश होती है हमारी ये वाली छत जो है पानी से डम हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि ऊपर अमरूद का पेड़ है तो सारी पत्तियां होती हैं इसमें गिर के जमा हो जाती है और जो ड्रेन है वो चौक हो जाते हैं। अब चल चुका है भैया धारा। तो पहाड़ों में ऐसे ही धारे चलते हैं जैसे छत से पानी गिर रहा है। और बेचारे उधर बच्चों ने बड़ी मेहनत करके क्रिकेट का पिच बनाया था कल ही, लेकिन आज इतनी बारिश हुई कल से तो वहाँ बिल्कुल कीचड़ हो गया। ओए 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 इधर ओए। अरे उसमें चारा बोया है, इसको देख लो यार कहाँ जा रहा। अरे बेटा चारा बोया है उसमें, तो ये साइकिल कीचड़ में कहाँ लेके जा रहे हो। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे यार खेत में भी साइकिल लेके जा रहे हैं कीचड़ में। हैं? ए कोको बेटा साइकिल यहीं खड़ी कर दो, साइकिल वहां खड़ी कर देते ना रोड पे, कौन ले जा रहा है। तो ये भैया बच्चे देख लो खेतों में साइकिल घुमा रहे, क्यों भी कीचड़ में। अब कंधे में रख के ले जा बोलो इसे। हाँ कंधे में उठा के ले जा, ये पैदल पैदल ले जा, पैदल पैदल अब उठा के ले जा रहा है। तो आजकल के बच्चों के भी क्या कहने, जहां जो है आप पैदल चलना मुश्किल हो रहा है वहां वो साइकिल दौड़ा रहा है। चले गए क्या मीरा? तो अभी भाई की मिसी आई थी श्रीमती जी के लिए कुछ तोहफे लेके। क्या तोहफे लेके आई थी? तोहफे लेके नहीं आई थी, मैंने सूट सिलाने को दिया था ना। अच्छा, लाते आना। दिनेशपुर गए थे क्या वो? तो फिलहाल करते हैं कुट्टी काटने की तैयारी क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है। इधर से तो खुल गया है लेकिन उस साइड ऐसा मौसम हो रहा है एकदम चूक का जैसा। और देखो उधर कितनी बारिश हो रही है। कितना और बहुत हार्ड हो गई है बच्चे। लो भैया सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी काम भी हो चुका है। नहीं सही दिख रही जमीन। अरे तुमने वही है तो कैसे सही नहीं दिखेगी। नहीं चौलाई नहीं दिख रही ना, चौलाई कम जमीन। चौलाई किसमें वही है? लाल रंग की दिख रही है। इसमें चौलाई वही है क्या? ये पेड़ आ गया इसमें, इसको बांध दो ना इसको। अभी तो फूल नहीं आता, काट। अरे बांध दो अभी, मत आएंगे अभी, देख रहे हो कितने को आए उसमें। ये देखो ये सब फूल आएंगे इसमें। ये तुम ये गैठा तो है, इसमें बांध दो ना इसको। तो बारिश होने से फूल का पेड़ भी गिर गया है, बड़े प्यारे प्यारे फूल आ रहे थे इसमें, तो अभी आने वाले भी हैं। तो श्रीमती जी कह रही इसको काट देते हैं लेकिन मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत प्यार नहीं, अभी बहुत फूल आने वाले हैं। देखो इसमें कलियाँ आई हुई हैं, बात दो बढ़िया से। डहलिया का सीजन गया। तो ये डहलिया का पेड़ है काफी ऊंचा और वजनदार हो गया है, बढ़िया से बांधना पड़ेगा। इसकी डंठल बहुत भारी होते हैं, फिर गिरता है, अटका तो ऐसी वो नीचे ही वो रहने दो गिर जाएगा। यहाँ पर एक आध टमाटर के पेड़ भी लगाए हैं तो इसमें भी फूल जैसे आ रहे हैं। और इसमें हमने लहसुन बोया था तो लहसुन उखेड़ दिया है, तो इसमें अभी भिंडी बो दी है श्रीमती जी ने, और इधर को चौलाई बो दी है जो दिख भी नहीं रही है। भिंडी तो दिख रही है थोड़ा क्योंकि चौलाई का कलर और मिट्टी का कलर एक सही है। और बाकी भैया प्याज तो फिर से बंजर पड़ गया है, थोड़े दिन पहले गुड़ाई की थी, घास ही घास हो रहा है इसमें। अरे वाह इसमें तो टमाटर भी लगने लग गए। कहाँ पक रहे हैं? काश मुझे मिल जाता एक पका टमाटर, पीला नहीं मुझे लाल टमाटर मिल जाता, मज़ा आ जाता। बड़े अच्छा पेड़ है ये तो, इस पेड़ को भी उठा दो ना, ये भी लैंड हो गया है। इतने प्यारे फूल आ रहे हैं यार, सब गिर गए बारिश की और हवा की वजह से। तो थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि अब बिल्कुल बारिश आएगी ही नहीं, तो जैसे ही कुट्टी काट के अंदर गया
और 10 मिनट बाद बाहर आकर देखा तो भाई साहब फिर से इतने खतरनाक बादल और इतना खतरनाक बारिश का मौसम हो गया है, पूछिए मत। तो थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि तड़ 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 करके बारिश आती है और इतनी बर्फीली हवा चल रही है ना, पूछिए मत। और मुझे बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, जितनी बारिश बरसनी है बरस जाए, अब खेत तो लगभग खाली हो चुके हैं, फसल कट चुकी है। लेकिन एक टेंशन है कि ये चारा ख़राब हो जाएगा। अगर दो चार दिन रुक कर बारिश होती तो तब तक ये चारा जो है जम जाता, लेकिन अब और बारिश आ जाएगी तो फिर तो भैया ये बेकार ही हो जाएगा।